अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज स्लो बहुत आ रही है। मेरी आवाज आपको ऐसे ही आती होती है, थोड़ी देर बाद आपको सही हो जाती होती है। मैम ठीक आ रही है आपकी आवाज? ठीक आ रही है। जिनके स्लो आ रही है उनके अपने फिर मसला होगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जिसने तो मुझे ईमेल की है, ठीक है, उनमें से जिन जिन की मुझे ईमेल मिली है उस उनको तो मैंने मार्क कर दी है। अभी अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह सून, कुछ एक दो दिन तक हो जाएंगे या आज ही हो जाएंगे इंशाल्लाह, टाइम मिला तो आई विल अपलोड। और जिनकी अभी तक नहीं आई वो लिस्ट वैसे मैंने एक तैयार कर ली है, क्योंकि सारे बच्चे मिक्स ही ईमेल्स आ रही होती हैं मुझे, इतना ज़्यादा रश हो जाता है ईमेल्स में। तो मैं काइंडली एक तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ईमेल किया करें ना तो उसमें अपना सेक्शन मेंशन कर दिया करें प्लीज़। एक दो बच्चों ने बस मेंशन किया हुआ था तो अपना सेक्शन मेंशन ज़रूर किया करें। अभी मुझे आप लोग बिल्कुल याद नहीं हुए सारे रोल नंबर्स वगैरह इस तरह से, तो वो फिर सेक्शन वाइज अगर मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है, फिर मैं उसी सेक्शन के लिहाज से जो मेरे पास आप लोगों की डेटा शीट्स हैं उसी में आपका पुट कर लिया करूँगी मार्क्स आपके। एक तो ये रिक्वेस्ट करनी थी, दूसरा ये है कि जिस आप लोग और से क्यों नहीं बात सुनते, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, रीडिंग्स आपको दी गई हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया है, तो भाई किस चीज़ पे फिर मैं आपको असेस करूँगी, यही बात है ना। हर चीज़ तो मेरी तरफ से प्रोवाइडेड है, टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है और सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर है, उसमें भी मैंने आपको रिलैक्स किया हुआ, चले ठीक है, आप वो आपके किसी के सेम हो सकते हैं। जो काम मैं आपको असाइन करूं, ठीक है, उसके ऊपर ज़रूर फोकस किया करें। जैसे कि लास्टली आई असाइन यू द दैट यू हैव टू कैलकुलेट रीडिंग्स फॉर एटलीस्ट वन रीडिंग, ठीक है, एक के लिए आपने टी और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो जिन जिन ने किए हैं उनको उनके मैंने उस एज पर डैड मार्क्स लगाए हैं, और जिन जिन्होंने नहीं किए मैंने उनको एक रिप्लाई में मेल डाल दी है, लेकिन उनके मार्क्स उसी तरह से लगाए हैं पहले जो उन्होंने मुझे फर्स्ट ईमेल किया, ठीक है, वो अब आके अपडेट करके बाकी दोबारा मुझे ईमेल्स आ रहे हैं, डेट इज़ ओके फाइन, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल नहीं कंसीडर करूँगी। लेकिन आप प्लीज़ जो है वो लेक्चर को तवज्जो से सुना करें और एंड पे जो चीज़ें आपसे कही जा रही हैं उस पर फोकस किया करें, ठीक है जी। बताइए मैम। मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो इस वजह से मैंने आपको पहले नहीं सेंड किया, वो मेरा भी ना पाँव का वो हिल हिला हुआ जोर अंदर से कोच फट गया है, तो मैंने आपको भेज दिया था बात।
अगर भेज दिया था तो फिर मैं देख लूंगी, चेक कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। हाँ जी रमीज, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि जो आपने हमें पॉइंट करने के लिए दिया था, इसमें वेलोसिटी जी, के आपकी वेलोसिटी पॉइंट आवाज करने के पीछे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, एकदम से आवाज आपकी आ रही है लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। मैम, इधर शोर तो नहीं है वैसे। पता नहीं गूं गूं सी आ रही है, पंखा तो नहीं लगा वो। नो मैम, एक चले मिनट, मैं बोले, मोबाइल से लॉगिन होता हूँ। मैं ट्राई करती हूँ। मैम सुन, हाँ जी मैम, ये आपने लैब 3 का टी और उसका कहा था ना सी का, वो तो मैंने फाइंड करके टेबल आपको कंप्लीट करके सेंड कर दिया था, लेकिन जो लैब 5 थी मैंने आपको सेंड करा था कि वो इश्यू आ रहा है, जो रीडिंग आपने भेजी है ना उसे सॉल्व कर रहे हैं तो सेम नहीं आ रही वो। हाँ वो मैंने यस मैम, अभी मेरा भी देखी ऐसे थी, है। मैंने तब वो नहीं उसका रिप्लाई कर सकी लेकिन मैंने देख ली थी। उसमें मैंने आपको ये सजेस्ट किया था, शायद मैंने रिप्लाई भी दिया था कि आप लोग, एक और सजेशन मेरे माइंड में आ रही थी कि आप लोग सपोज रीडिंग के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैम फिर वो आपको जो मेजर रीडिंग्स प्रोवाइड कर दिए ना, मैस, रेडियस, अब वो चीज़ है, मैस तो उसका उतना ही है, तो आप सपोज टाइम की वैल्यूज ले लें, ठीक है? यानी कि आप स्टॉप वॉच को वैसे ही सपोज कर लें कि 30 सेकेंड, 31 सेकेंड, 40 सेकेंड्स, और उनका एवरेज ले लें, ठीक है? तो ये भी एक थोड़ा सा आप कह लो जुगाड़ है या तरीका है, जाहिर है यू आर एट होम, तो आप सपोज रीडिंग्स के साथ आप जो है अपना टेबल कंप्लीट। सपोज रीडिंग में ये नहीं है कि कैलकुलेशन के बगैर ही आगे लिख दो, सपोज रीडिंग्स का मुराद है कि सिर्फ टाइम स्टॉपवॉच की रीडिंग सपोज कर लें आप, बाकी तो फार्मूलाज में वैल्यूज ही पुट करनी है, वो मैक्सिमम Yes. आपको रीडिंग प्रोवाइड कर दी है, मैस भी दे दिया, रेडियस भी दे दिया, स्पिंडल का भी, डिस्क का भी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्क भी दे दिया, ठीक है? साथ में वीडियोस भी दी जा रही हैं, लिंक्स आपका ड्राइव में रखी हुई हैं, उसमें भी एक एक वैल्यू वो बोल रहा है साथ ना, तो दैट इज क्वाइट इजी कि आप बस लोग मैम उसको में। फिर वो टाइम की वैल्यू जो आपने हमें दी हुई है ना, हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी आगे जो चेंजिंग आ रही है वो हम आपको बनाकर सेंड कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे मैं कह रही हूँ जैसे आपको अंडरस्टैंड कर तो सकते मैम हैं, तो फिर इसका आप तो टाइम है ना अभी लैब 5 का हमारे पास सेंड करने का। हाँ फिर आप यस ले लें मैम। टाइम, ले लें, अब आप क्या करूँ, मैम ले बस लें आप, नेक्स्ट अब क्लास से पहले हम आपको दोनों लैब भेज फिर देंगे, दोनों लैब सेंड 5 कर और दिया जॉब। करें ना। यस हाँ मैम फिर ठीक ऐसे कर लीजिएगा, एक ही फाइल में दोनों कर दीजिएगा। है, लैब 5 और जो आज होगी वो भी। हाँ इंशाल्लाह वो दोनों सेंड कर दिए। अच्छा चले, मैं आपका, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। जो आप हमें जैसे कैलकुलेशन करने के लिए देती हैं, आप काइंडली एक रीडिंग हमें फाइंड करके दे दिया करें, ताकि इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा जान जाए अच्छे से। मतलब क्या अच्छे से जाना है, मैं क्या और चीज दे दूं आपको, हर चीज क्या, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। एक रीडिंग फाइंड करके दे दिया करें, जैसे एक रीडिंग आज तो भाई वो जो आपको वीडियो में बता रहे होते हैं अटेंडेंट, आपको असिस्टेंट जो भी बता रहे होते हैं, एक तो रीडिंग वो बन जाती है। अगर आप में से कोई शार्प माइंडेड है तो वो तो पिक कर लेगा इजीली वहां से एक रीडिंग। दूसरी मैं कुछ प्रोवाइड करती हूँ ऑलरेडी, जो पहले से हमारे पास मैनुअल है स्टूडेंट्स के, उसमें से जो अच्छा होता है उसकी मैं एक रीडिंग आपको शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा मुझे अभी आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप एक रीडिंग में क्या मैम, करके दिखा दिया एक्चुअली करें। आपने जो हमें रीडिंग सेंड की थी ना, उसमें काफी सारे डिफरेंस आ रहा था। मैंने भी अपनी ट्राई मारी थी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, उसकी वजह से आप कंफ्यूजन हुई। ये एग्जैक्ट शायद कहना चाह रहे हैं कि आप कैलकुलेशंस जो है वो मुझे एक करके दिखा दिया करें, ऐसे कहना चाह जो रहे हैं? आंसर आया था उसने जो लिखा हुआ था वो हमारा नहीं आ रहा था, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए सेंड भी नहीं हुआ। चले, उसको प्रॉब्लम का मैंने आपको हल आज बताया ना कि आप यू कैन टेक द सपोज रीडिंग्स, ठीक है? बाकी जो मेजर्स हैं जैसे कि मैथ्स है, डिस्का और वो सारा कुछ, वो तो आपको मिल गया ना। अब बाकी टाइम की भी बेशक आपको नहीं लगता कि सही रीडिंग्स सही है, आप सपोज टाइम की रीडिंग्स ले लें आगे पीछे पॉइंट से फर्क करके, ठीक है? तो उसमें से आप बाकी तो फार्मूले में पुट करें तो आपकी वो रीडिंग्स। कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि कैलकुलेशन मैंने ये देखनी होती है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, यानी अगर आपको कहा जा रहा है कि टी फाइंड करना है तो हाउ यू विल अप्रोच, कि आप कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे कि दो तीन ईमेल्स मैंने चेक किए हैं, उसमें बच्चे ने किया क्या हुआ था, पता नहीं वो कौन है, मुझे भूल गया, मैंने नाम लिखा हुआ, एक लिस्ट बनाई है वो मेरे मोबाइल में, मैं देखती हूँ, तो उसने क्या किया हुआ था भाई। अब देखें, हाउ यू हैव टू फाइंड द टी, कैपिटल टी टाई एन सी, कि आपने अप्रोच करना, पहले आपने कोसाइनला को अप्रोच करना, फिर आपने साइनला को अप्रोच करना, ठीक है? उसने क्या किया होता, उसने डब्ल्यू टी सी की वैल्यूज, जो फाइनल वैल्यूज थी ना, उनको उठा के जो है ना डाला हुआ था कोसाइन ला के अंदर, यानी बहुत स्टुपिडिटी की हुई थी उसने।
तो यहाँ से ये चीजें समझ आती हैं, फिर यहाँ से डिफरेंशिएट आता है, यहाँ से फिर आपके मार्क्स में फर्क आएगा, ठीक है, पता चल जाता है कि हर बच्चे ने वो समझ रहा है कैलकुलेशंस को कि नहीं समझ रहा। तो इसलिए काइंडली तवज्जो से समझा करें और जो करने को कहती हूँ वो किया करें, ठीक है। एक सेकेंड मुझे एक सेकेंड में आपको ज्वाइन करती हूँ, फैन ऑफ कर लूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने आज देरी हो गई है, ज्वाइन भी मैंने लेट ही किया है। अच्छा जी, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, हियर इज द एक्सपेरिमेंट। आ गई है सबके पास? यस। चलें, गुड। यस सर। ठीक है बच्चे। अच्छा, आपके मैंने लैब फाइव पे हमने कर लिया था लास्टली, ठीक है, और लैब फोर मैंने आपको कहा था कि हम इंशाल्लाह करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज ये आप लैब फोर करें, इफ़ यू हैव मैनुअल्स विद यू, अगर आपने घर में ओपन किए हुए हैं तो लैब फोर वाला पेज ओपन कर लें या फिर ये स्क्रीन को देखें। जी जी मैम, अगर हम वैल्यू लिखते हैं, हमारी वैल्यू अगर गलत हो जाती है, उसको क्रॉस करेंगे, क्या करें, उसका हल क्या है? आपको कैसे पता चलेगा गलत है कि सही है? हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं ना, तो आगे पीछे बॉक्स हो जाते हैं, समझ नहीं आती। आगे पीछे क्या हो जाते हैं? बॉक्सेस, वो जो बॉक्सेस नहीं आते जिनमें हमने वैल्यूज लिखनी होती हैं। तो वो कैसे बॉक्स आगे पीछे हो सकता है? जब बॉक्स ही आपको आपको टेबल तो आपको टेबल इज गिवन, ठीक है, टेबल तो आपको गिवन है। जो आप हमें करती है ना, भेजती है, उसमें इतने ज्यादा बॉक्स है, दो तीन एक्स्ट्रा। इस मसले की मैंने एक और पिक्चर सेंड की थी और मैंने कहा था कि उसमें ज्यादा बॉक्स नहीं थे, इसमें एज हमारा मिसिंग था, यानी एज हाइट भी तो लेनी थी ना। तो ये जो आपका मैनुअल अप्लाइड मैकेनिक्स है, इसमें एज वाला वो कॉलम मिसिंग है, यानी कि वो अगर मिसिंग कॉलम है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, हाइट के बगैर तो काम ही नहीं होना, पोटेंशियल एनर्जी तो आनी नहीं है, तो वो तो फिर ऑब्वियस होता है, वो तो फिर फॉर्मूले में लिखना है ना MGH करते वक्त। अपनी हाइट की कोई भी वैल्यू दे दे, आपने वीडियो देखी है? नहीं मैम। हाँ तो पहले वीडियो देखे ना, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन उसके अंदर इसका जवाब है, ठीक है। वहाँ बड़ी अच्छी उसने हाइट की दोनों वैल्यूज दी हुई है, H1 पे भी H2 पे भी। वीडियोस आप में से लगता है किसने देखी है, मुझे बताएं आज। मैम मैंने देखी है, मुझे सारी समझ आ गई, आज हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ओके जी। जिसको समझ आ गई वो अपनी समझ अपने तक ही रखे, तो उसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आने के चांस है, ज्यादा मदर टेरेसा जो बनेगा ना आपस में, वो पता चल जाता है। ऑनलाइन भी, ऑनलाइन चीटिंग के भी बड़े केसेस पकड़े गए हैं, पता है आपको, लास्टली जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, दो तीन लड़कों को इन्होंने ऐसे ही फेल किया कि उनका सेम उनके आंसर्स थे, सेम उनकी चीजें थी। तो वो ये अपनी तरफ से ज्यादा होशियार ना बना करें, हम भी इन्हीं कुर्सियों से उठ के आए हैं, इन्हीं कुर्सियों पर बैठ के हमने भी पढ़ा। अच्छा चले, आज आपने क्या करना है कि टू डिटरमिन टेंशन इन वेरियस पॉइंट्स ऑफ अ हैंगिंग रोप लोडेड एट डिफरेंट पॉइंट्स। लेट मी सेलेक्ट। अच्छा, यू हैव टू डिटरमिन द टेंशन इन वेरियस, अब टेंशन कौन सी वाली टेंशन है ये टेंशन क्या होती है?
मैम जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को देते हैं जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को देते हैं मैम ये वो टेंशन होती है सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले देते हैं और कोई जिंदगी में नहीं हो सकती नो मैम और कोई नहीं देता पेरेंट्स वैसे तंग नहीं करते मुझे जबकि मेरा एडमिशन हो गया तो आपकी जो फ्रेंड है वो नहीं आपको तंग करती नो मैम टेंशन देती नो मैम अच्छा यानी इनके लिहाज से टेंशन सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले दे रहे हैं यस मैम बाकी मेरी जिंदगी बहुत सुकून की है तो फिर आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला जहन्नुम में जाएंगे मैम दुनिया भी जिंदगी गुजर जाएगी जो आखिरत की जिंदगी देश में रिश्वत देने वाला का नाम पहले आया है मैम ये देखें तो यहाँ पे बड़े अच्छे हो गए बाकी सारे गलत काम कर लेंगे वो एक तरफ है जहाँ अपनी समझ आती है ना वहाँ पे नहीं करना बात की है इट इज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ बीइंग स्ट्रेन्ड और स्ट्रेच्ड ठीक है एक स्टेट है यानी कि आपकी कोई कंडीशन है एक्ट ऑफ स्ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग ठीक है दैट इज नोन एज द टेंशन ठीक है अच्छा इसमें अब क्या है कि आपने क्या करना है कि डिटरमिन करनी है टेंशन इन वेरियस पॉइंट्स ऑफ अ हैंगिंग कोई हैंगिंग रोप है आपके पास ठीक है कोई रोप है यानी कोई आपकी रस्सी है या रस्सा कह लें वो हैंग्ड है और उसके ऊपर लोडेड है डिफरेंट पॉइंट्स की ठीक है उसकी उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपने टेंशन फाइंड करनी है हाउ यू विल डू डैट अच्छा इसमें ये जो इसकी डायग्राम है ये आप अच्छा अपरेटस देख रहे हैं अपरेटस में हमारे पास फ्लेक्सिबल हैंगिंग रोप अपरेटस है आपका स्प्रिंग बैलेंसेज है इसमें भी स्प्रिंग बैलेंस अटैच है ठीक है स्प्रिंग बैलेंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो अटैच किए जाते हैं जैसे कि लास्टली हमने टाई में किया था लास्ट से लास्टली ठीक है थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंट था तो टाई में क्या किया था टेंशन आई थी ना टाई में और उस टेंशन का हमने हमें कैसे पता चला था स्प्रिंग बैलेंस से क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस हमें बता रहा होता है कि अगर स्ट्रेचिंग हो रही है या फिर कंप्रेशन हो रहा है तो वो कितना इनवर्ड जा रहा है और कितना आउटवर्ड आ रहा है उसके ठीक है स्प्रिंग बैलेंसेज होंगे इसमें वेट्स एंड हैंगर्स हैं डेटर आपके लिए मैंडेटरी हैं किसी भी चीज़ को आपने जज करना है ऑब्जर्व करने के लिए मीटर रॉड है आपकी और मेजरिंग टेप है ये भी आपकी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीटर रॉड से और मेजरिंग टेप कह लो आपने क्या करना है कि लेंथ फाइंड करनी है उसकी ठीक है अच्छा एक इस तरह का आपका अपरेटस है ये डायग्राम है बेसिकली ये सर आपका अपरेटस है ये भी आपका वॉल हैंगिंग था ठीक है इफ़ यू आर मिसिंग योर लैब ठीक है तो अभी आपको वीडियो में पता चले जाएगा तो उसमें आपका एंट्रेंस से वेरी एंट्रेंस से राइट साइड पे सेकंड वाला ठीक है सेकंड वाला आपका इक्विपमेंट जो था वो आपका हैंगिंग रोप था ठीक है इट इज़ हिंज्ड पॉइंट हियर इट इज़ आल्सो अ हिंज्ड पॉइंट हियर ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं इसके साथ एक रस्सा या रस्सी ठीक है अच्छा ये रस्सा और रस्सी में क्या फर्क होता है वैसे क्वेश्चन वैसे मेरे माइंड में आ रहा है हो सकता है रस्सी बारीक है और रस्सा मोटा होता है अच्छा हां सही है वैसे मैंने कहा शायद मुजक्कर मोनस यस मैम रस्सी मोनस है रस्सा मुजक्कर है मैम नहीं लेकिन उन्होंने सही बताया ये बच्चे ने कि वो रस्सी बारीक होती होगी रस्सा मोटा होता यस मैम अच्छा ये दोनों हिंज पॉइंट हैं यहाँ से एक रोप ठीक है इट इज अटैच ठीक है ये एक रस्सी है इसके साथ अटैच है और यहाँ से यहाँ पे भी ये जितना मैं रेड पोर्शन कर रही हूँ ये सारा आप फर्ज कर लें कि ये एक रस्सी जो है एक अच्छी तरह से अटैच है इन दोनों के साथ यानी कि आपने घर में क्या करना है एक दीवार के ऊपर एक यहाँ कील ठोकना है एक यहाँ पे कील ठोकना है एक यहाँ पे धागा पकड़ के यहाँ पे बांध लेना ऐसे करके एक या एक धागा ऐसे करके ये आपने ऐसे बांध लेना वी शेप है अब यहाँ पे आपका क्या होगा यहाँ फर्दर हल्की सी एक नॉट आएगी छोटी सी एक नॉट आएगी दोबारा से और यहाँ पे आपने थोड़ा सा धागा नीचे करके यहाँ पे इसके साथ क्या कर लिया है हैंगर डाल दिए ठीक है वेट वेट के लिए हाँ वो मैं इसको थोड़ा सा इरेज किया अच्छा वी आर टॉकिंग अबाउट दिस अपरेटस इसमें आपको ये पॉइंट समझ आ गए हैं दो पॉइंट्स हैं आपके पास और ये जो आपका रोप है रस्सी है इसके साथ स्प्रिंग बैलेंसेस ठीक है ये जो ऐसे बने हुए हैं ये ऊपर मेंशन भी है कि स्प्रिंग बैलेंस आर अटैच्ड ठीक है और ये जो रोप है डैट शुड बी
फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है, उन्होंने लिखा भी हुआ थोड़ी सी फ्लेक्सिबल केबल होगी तो हमें पता चलेगा ना कि कितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, जब हम उसके अंदर वेट्स वगैरह डालेंगे। अच्छा जी, अब इसमें आपके पास होना क्या है, फोर्स क्या होती है थ्योरी में, आपके पास सबसे पहले फोर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन एन अदर बॉडी इज कॉल्ड एज द फोर्स। जैसे कि आप बैठे हैं, आप सामने वाले को जोर से एक थप्पड़ मारें तो आप क्या है, एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन एन अदर बॉडी इज कॉल्ड एज द फोर्स, ठीक है। या फिर आपने कोई, आपके बॉल पॉइंट है सामने आपके पड़ा हुआ कोई, वो बॉल पॉइंट इज योर ऑब्जेक्ट है, योर बॉडी है, तो उसको आप हल्का सा पुश करें वो, या फिर आपके सामने ग्लास है, वट एवर द थिंग्स अराउंड यू, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, एक्शन करेंगे तो दूसरी बॉडी पे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द फोर्स। अच्छा, इसके बाद हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है जी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल द फोर्सेस एंड मूवमेंट्स अप्लाइड ऑन इट बैलेंस ईच अदर, ठीक है, ये बड़े बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आपने, हो सकता है कि अपने थ्योरी में भी आपके टीचर ने इसको रिवाइज करवाया हो, क्योंकि मैकेनिक्स को जब थ्योरी स्टार्ट करवाई जाती है तो ये जो बेसिक्स हैं ये ज़रूर थोड़ा सा पॉलिश करवाई जाती है माइंड में, ताकि आपको पता हो इन चीज़ों का। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि अ बॉडी वुड बी इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी वुड बी इक्वल्स टू जीरो, एंड समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी वुड बी इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे ये बताएं आपके मोमेंट क्या चीज है, मोमेंट आपने पढ़ा हुआ है ना मैम, टर्निंग हो सकती है उस पे। एग्जैक्टली ऐसे ही है, इट इज एक्चुअली द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, एंड इट इज इक्वल्स टू द फोर्स, जो फोर्स होती है मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट एंड द फोर्स, यानी जिस पॉइंट पे फोर्स आपकी अप्लाई की जा रही है। बचपन में आपने याद होगा, यू हैव स्टडीड द एग्जांपल, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट की एग्जांपल आप स्टडी कर चुके हैं, व्हेन यू पुश ऑन द डोर हैंडल एंड द डोर रोटेट्स अराउंड इट्स हिंजेस, ठीक है, अराउंड इट्स पिवट पॉइंट, ठीक है, जहां से डोर जो है वो अटैच होता है वो उसका पिवट पॉइंट होता है, इसके बाद हिंजेस लगी होती हैं, तो यू एग्जर्ट अ फोर्स, ठीक है, दैट कॉज द डोर टू रोटेट, ठीक है, यू एग्जर्ट द फोर्स on the handle, ठीक है, the rotation was the result of the moment you pushing the force, ठीक है, so that is the, वो जो आप force लगाते हैं और वो जो उसका perpendicular distance होता है उसका multiply हमारे पास क्या आ जाता है, moment आ जाता है, right, हो गया, folder फरूख ना, ठीक, thank you। अच्छा जी, इसमें यह है कि आपका कोई भी बॉडी आपके इक्विलिब्रियम में तब होगी जब समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड ऑल द मोमेंट्स वुड बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, मोमेंट की भी आपको समझ आ गई है और फोर्सेस का भी आपको आइडिया है। अच्छा जी, अब इस सिस्टम में होना क्या है, हमारे पास कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन विच ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, ठीक है, कंकरेंट फोर्सेस क्या है, ये आपने पढ़ी भी होंगी कि अगर इफ आई हैव अ पॉइंट ए, मेरे पास एक पॉइंट ए है कोई ए, ठीक है, और एक मेरी फोर्स यहाँ से गुजर पास कर रही है, एक फोर्स मेरी यहाँ से पास कर रही है, एक फोर्स मेरी यहाँ से पास कर रही है, एक फोर्स मेरी को यहाँ पास कर रही है, यानी सारी फोर्सेस जो हैं वो सेम एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, ठीक है, बेशक वो जहाँ पे भी अप्लाई होने, बट दे फोर्सेज आर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज इज सेम, ठीक है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस इज सेम देन दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस वुड बी नोन एज द कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन विच ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, ठीक है, दैट इज नोन एज द कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब ये आपका जो सिस्टम बन गया ना, जहाँ पे आपने यहाँ से आपका ये हिंज पॉइंट है, ठीक है, ये देखा रिजिड शो किया हुआ है इसको, यहाँ पे भी हिंज पॉइंट है और यहाँ से आपका जो रोप है एक सेम पॉइंट से, इसमें भी जो फोर्सेस लगेंगी इस रस्सी के इस साइड पे और इस साइड पे, और जो डाउनवर्ड जितने भी फोर्स लगेंगे दैट विल पास टू द सेम पॉइंट, ठीक है, यानी कि आपका ये जो मिड पॉइंट है ओ कह लेती हूँ, लेट्स सपोज दैट आई एम गोइंग टू नेम इट एज ओ, तो सारी
फोर्सेस इसी ओ पॉइंट से पास करेंगी, तो ये आपका जो सिस्टम बन गया ये कौन सा बन गया, कंकरेंट फोर्स सिस्टम बन गया आपका, राइट। अच्छा जी, अब इसमें आपने इसको सोल्व कैसे करना है। फ्लेक्सिबल रोप स्ट्रक्चर जो आपका है, इन द एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सिबल केबल्स इट इज अज्यूम्ड दैट एनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू द बेंडिंग इज नेग्लिजिबल। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस है बेंडिंग की वजह से वो नेग्लिजिबल कर दिया स्टार्ट में ही, ताकि वो जीरो एरर्स वाले मसले को हल किया जा सके। अच्छा, अजम्पशंस मींस दैट द फोर्स इन द केबल विल बी अलोंग द लेंथ ऑफ द केबल। ठीक है, दैट इज द टेंसाइल फोर्स, टेंशन प्रोड्यूस होगी। अगर तो किसी मेंबर में, जैसे कि हमारा वो टाई मेंबर था, उसमें टेंशन प्रोड्यूस हुई थी, इट मींस के उसमें क्या था, टेंसाइल फोर्सेस। ठीक है, और अगर कहीं पे आपकी कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है तो वो आपके टेंसाइल फोर्सेस में बॉडी स्ट्रेचेस, ठीक है, आउटवर्ड्स, और आपकी कंप्रेसिव फोर्सेस जो होती है जिसमें आपका कंप्रेशन होता है, ठीक है, उसकी उस कंप्रेशन किस वजह से होता है, ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स। और टेंशन किस वजह से होती है, यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं होती, टेंशन इज ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेशन इज ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगी कि ये आपका, अब आपने क्या सपोज कर लेना है, ये पहले ही बना हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रेड में आपको ज़रा क्लियर कर देती हूँ। अब फर्स्ट कर लें आप, अब ये वाली जो रोप की साइड है, इस यहाँ पे भी टेंशन प्रोड्यूस होनी है, तो इस साइड को मैंने क्या कह दिया, टी वन, और ये वाली जो मेरी रोप की साइड है, ठीक है, आई एम गोइंग टू नेम इट एज टी टू। ठीक है, ये जो टी वन और टी टू है ये तो ऐसे हैंग हुई है, ठीक है, रस्सी, ठीक है, विंग से बन रहे हैं, लेट्स सपोज दैट। ये जो मैंने, ये जो डैश में लाइन लगी है, ये अब हमने क्या किया है कि जाहिर सी बात है वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्सेस, तो अब हमने कोई एक्सिस बनाना है अपना। ठीक है, अगर ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, इफ आई हैव दिस वेक्टर एफ, आई एम गोइंग टू नेम इट एज एफ, ये मेरे पास एक वेक्टर है और इट इज समवेयर इन स्पेस, ये हवा में मेरे पास एक वेक्टर है, हाउ आई विल सॉल्व दिस वेक्टर, तो ये एक बच्चा बता दे। मैम एंगल फाइंड करेंगे इसको, x एक्सिस और y एक्सिस यूज करेंगे इसमें। शाबाश, और कोई हीरा मोती? यस मैम, ऐसे करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे इसको हम। नहीं, ऐसे वाले ना कहें, मुझे अपनी कुछ और बात बताएं ना, ऐसे ही करें, ऐसे तो उसने बता दिया, इसीलिए मैंने मोती कह दिया, पहले हीरा कहा था, हीरा एक ही होता है ना। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, दोबारा रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन मैंने ये किया है कि आपके पास दिस इज द वेक्टर एफ, लेट्स सपोज दैट इट इज समवेयर इन स्पेस, हाउ आई विल रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन सबट्रैक्शन, आप लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या पढ़ रहे हैं आजकल थ्योरी में? मैं वेक्टर एडिशन पढ़ ली हुई है, मेरे ख्याल से हमने पढ़ ली हुई है, वो तो मैंने कहीं बचपन में पढ़ ली होगी बहुत दफा। आजकल मुझे आप बता सकते हैं थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं? सैयद अली रजा काजमी, आप बताएंगे। यस मैम, मैम वो एंगल्स वगैरह फाइंड करना सिखा रहे हैं सर आज, तो वो फिर मतलब यही वो फोर्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो एंगल्स वगैरह, तो ये एक्चुअली मैम अच्छी बात है ना, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ये एक्सपेरिमेंट भी वैसे ही है। मैम इसमें जो है ना, पहले x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा x एक्सिस आज या y एक्सिस आज जो भी हमारा रिजल्टेंट आ रहा होगा। अच्छा, आपका तो मैंने सुन लिया था, मैं कहीं और को जा रही थी। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही बच्चे बता रहे हैं, ये वाला, ये देखें हम, हाउ यू विल रिजॉल्व दिस वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर है, इसको आपने रिजॉल्व कैसे करना है कि मैंने आपको बताया था पहले कि इट इज समवेयर इन स्पेस। अब स्पेस में, जैसे मैंने पहले क्लास में भी, अगर आपको याद होगा, जब मैंने पॉइंट लोकेट करने का सीओजी की बात की थी, तो मैंने आपको बकायदा तौर पे थोड़ा सा हैंड रेस करके कहा था कि आई एम गोइंग टू मार्क अ पॉइंट समवेयर इन स्पेस हियर। ठीक है, आप कैसे लोकेट करेंगे इस पॉइंट को, फिर मैंने आपको सीओजी का बताया था। इसी तरह से मैंने इस वेक्टर, अब पॉइंट की जगह हमारे पास क्या है, वेक्टर है, बिल्कुल सेम हम लोग इसको क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेंगे, और इसकी टिप, इसकी, ये तो इसका फेस हो जाएगा, ये इसकी हेड और टेल कहते हैं। ठीक है, ये इसका हेड हो जाएगा, और इसके टेल से हम लोग बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट, वी विल टेक द पॉइंट जीरो। ठीक है, अब क्या है, व्हेन वी विल रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कलर थोड़ा चेंज करती हूँ।
ठीक है, जब मैं इसको रिजोल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेंबर हो जाएगा एफ एक्स, और जब मैं इसको ऐसे करूंगी इसका वाई वाला मेंबर, तो डी वाला मेंबर क्या होता था, एफ वाई, शाबाश, ठीक है। और फिर एफ एक्स को क्या लिखते होते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू द एफ एफ कोज ऑफ, बिकॉज दिस इज नाउ मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो वेक्टर है जो कहीं हवा में पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको अब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से लोकेट किया, उसके कंपोनेंट्स में इसको रिजोल्व किया है, तो अब कंपोनेंट्स में तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन आल्सो, ठीक है, क्योंकि वेक्टर एडिशन है तो आप इसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि वी हैव सम एंगल, ये वाला वेक्टर वेक्टर एफ इट इज आल्सो मेकिंग सम एंगल विद दिस एक्सिस, ठीक है, तो वो जो सम एंगल बना रहा है वो सम एंगल क्या है, लेट सपोज दैट इट इज मेकिंग थीटा, अब इसके पीछे कोई भी वैल्यू है थीटा की, तो हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी क्या मैग्नीट्यूड आएगी, हमारा एफ एक्स इज वुड बी इक्वल्स टू एफ कॉज ऑफ थीटा, और एफ वाई, वाई कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, एफ वाई f sin theta sin of theta, चलें शाबाश, मैं सारा रश खत्म करूं। अच्छा जी, अब यहां तक आपको समझ आ गई है, और थोड़ी सी आपको समझ है अभी, ठीक है, थोड़े थोड़े बच्चों को काफी समझ है। अब देखें ये बिल्कुल सेम है, अब आपने क्या करना है, हमने क्या करना है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को जस्टिफाई करना है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स, ये मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन का बताया गया तो हमने क्या किया था, समीशन ऑफ मोमेंट्स वुड बी इक्वल्स टू जीरो समीशन ऑफ एफ पाई, ठीक है, अभी तो मोमेंट की बात नहीं करनी क्योंकि हमने फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। अब जब समीशन ऑफ एफ वुड बी इक्वल्स टू जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो ना, अब समीशन ऑफ एफ कह दिया तो एफ के अंदर क्या आ जाएंगी, दोनों आ जाएंगी, एफ समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, भी जीरो होनी चाहिए, और समीशन ऑफ एफ वाई भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। चले अब नीचे आ जाएं, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स है, अब इसी डायग्राम को अगर आप गौर से देखें ना, तो इसमें क्या है, ये मैं बता रही थी कि ये वाला कंपोनेंट टी वन है, ये टी टू है, जैसे कि ये दो वेक्टर हैं, जैसे कि मैं इसको एफ वन कह लूँ और इसको एफ टू कह लूँ, लेकिन अब मैं टी वन और टी टू से ही बात करूँ क्योंकि हम टेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंपोनेंट टी वन है, ये टी टू है, जब When I will resolve this component, ये देखें ये डैश लाइन लगाई है, ठीक है, हम लोगों ने एक्सिस ड्रॉ कर ली है x एंड y in order to solve this vector. अब it is making some angle theta, क्योंकि ये t1 है, तो it is making some angle theta1, और because it is t2 named as t2, तो इसके theta के जो इसका जो angle है उसको क्या कहा जा रहा है, theta2, शाबाश। अच्छा अब इसमें क्या है कि आप जब इसको resolve करते हैं तो ये वेक्टर एक ऐसे आएगा, और इसका इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐसे आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसका ऐसे आएगा, इसी तरह से T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट विल बी लाइक दिस, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यूज क्या होंगी इसको यहाँ देखते हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि समीशन ऑफ एफ एक्स जो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर हैं कंपोनेंट्स, उनका समीशन जीरो होना चाहिए, क्योंकि फोर्स को आप रिजॉल्व कर रहे हैं, और जब फोर्सेस की बात आती है तो साथ उसके दोनों कंपोनेंट्स की बात आ जाती है, ठीक है। अब फोर्स के जो समीशन ऑफ एफ एक्स अगर जीरो होना चाहिए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो इसका एक्स कंपोनेंट है ये टी वन साइड है, तो इसके एक्स कंपोनेंट का क्या नाम होगा, टी वन कॉज ऑफ थीटा वन, और इसके एक्स कंपोनेंट का क्या नाम होगा, टी टू है ना, टी टू कॉज ऑफ थीटा टू, ठीक है, यही बात उसने यहाँ लिख दिया, दोनों के एक्स कंपोनेंट का समीशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है टी वन कॉज थीटा टू प्लस टी वन कॉज थीटा वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, और इसको अगर आप रिजॉल्व करें तो टी टू इधर रहने दें तो टी वन उधर चला जाएगा, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द वैल्यू टी वन, सॉरी टी टू, टी वन की भी निकाल सकते हैं, टी टू की भी निकाल सकते हैं। अच्छा सिमिलरली अब नेक्स्ट में क्या करना है आपने, समीशन ऑफ एफ वाई, ठीक है, एफ एक्स हमने कर लिया, अब एफ वाई की बारी है, समीशन ऑफ एफ वाई भी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है,
और डायग्राम ऊपर चली गई है, आपको याद है ना? ठीक है, तो y के जो कंपोनेंट है वो ये थे हमारे पास दो, ठीक है, t2। अब चूंकि ये y वाले कंपोनेंट है तो आपके पास बिल्कुल सेम आ जाएंगे, वही दो कंपोनेंट्स है, t1 sin theta 1 plus t2 sin theta 2। अब ये क्या मस्ट बी इक्वल्स टू 0, लेकिन अब क्या करते हैं, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाती हूँ पेज को। इसमें क्या करते हैं आप के क्यों हम क्या जब भी आपने कि फोर्सेस का समीशन निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, जो फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड मस्ट बी इक्वल टू फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड, ऐसे ही है ना, जो फोर्सेस अपवर्ड एक्ट कर रही हैं, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और अगर डाउनवर्ड और जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इधर आके माइनस करके वो जीरो कर देते हैं, ठीक है, बात सेम ही, ठीक है। अच्छा, अब यही बात उसने यहाँ कर दी है कि t1 sin theta plus t2 tan theta is equals to, अब जीरो नहीं है नीचे हमारे पास क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो दो ही फोर्सेस थी, लेकिन अब जो वर्टिकली है उसमें हमारे पास डाउनवर्ड वेट भी तो एक्ट कर रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अच्छा, इसमें इसको क्लियर कर, ठीक है, अब ये W के इक्वल आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन्होंने आपने करना क्या है, ये T1 sin theta 1 plus T2 sin theta 2 is equals to W। अब आपने यहाँ से T2 निकाला हुआ है, ठीक है, यू हैव द वैल्यू ऑफ T2, बस इसी T2 की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर देना है, T1 sin theta 1, ये वाला T2 है ना, ये वाला T2, यहाँ पे आपने यू हैव टू पुट द वैल्यू दिस वन, ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने। And when you will solve this, तो cos over sin आपका एक tan बन जाएगा, ठीक है, तो आपका finally आपके पास दोबारा t1 की एक value आएगी कि t1 is equals to w over sin theta plus tangent theta 2 cos theta 1, ठीक है, जब आप इसको solve करेंगे, right? So it is very simple. करना आपने क्या होगा कि you have now come towards the table. Table में क्या है, observations है और कैलकुलेशंस, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास वेट है, मैम वेट है सबसे पहले, डब्ल्यू जितना अभी हैंगर पे आपने वेट पुट करना है, ये वो है, ये लेंस है, ये लेंस कौन सी है, ये वाली लेंस है, ठीक है, ये आपका जो हिंज पॉइंट है, यहां से L1 है आ जाएगा और ये आपका L2, L वाली साइड पे T1 है और L2 वाली साइड पे आपकी T2 है, जो कि अभी सारी बात की है। Yes, आगे हाइट है। L1, L2 आगे हाइट आ जाएगी, ठीक है, हाइट आपकी यानी ये वाली सब जो आपकी हैंगर की यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से आप हाइट इसकी कंसीडर करेंगे, राइट? एंगल्स आपके क्या है, एंगल्स आपके थीटा वन आपका T1 साइड पे थीटा वन बनेगा और T2 साइड पे थीटा टू बनेगा आपका, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी ये वाली चीज है ये आपकी क्या होंगी, फाइंड करनी है हमने, टेंशन वन और टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल देखें, थोड़ा सा फिर मिसिंग है, ये जो टेंशन T1 और T2 है ये तो आप देयर इज स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड, इसके साथ देखें ना आपने ऊपर के यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे भी अटैच है और फ्लेक्सिबल, तो यहाँ पे आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको T2 की मिल जाएगी। अब इसके आगे थोड़ा सा आप एक बॉक्स बना लीजिए, इसके ऊपर लिख लीजिए कि ऑब्जर्व्ड, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस रीडिंग है और ये आपकी कौन सी हो जाएंगी, कैलकुलेटेड फोर्सेस, ठीक है, वो कैलकुलेटेड फोर्सेस आपने क्या करनी है, T1 और T2 दोबारा निकालने हैं, और वो कैसे निकलेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला, ये T1 और T2 के ये जो हमारे पास फार्मूलाज है ना, इससे आपकी कौन सी निकलेंगी, कैलकुलेटेड फोर्सेस, ठीक है, ये अपने अपने जो मैनुअल्स है उसके ऊपर बाय हैंड ऐड कर लें, एक टेबल के आगे साथ दो लाइनें दो कॉलम्स, ठीक है, उसमें कैलकुलेटेड वैल्यूज T1 और T2 लिख लेंगे, ठीक है, बेशक आप परसेंटेज एरर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी एरर कर लें, लास्टली एक और भी कॉलम ऐड कर लें, लास्टली जाहिर है जब एक्चुअल और कैलकुलेटेड और ऑब्जर्वड है तो फिर आपका परसेंटेज एरर भी आएगा, ठीक है, वो आपके कॉमेंट्स में आपकी हेल्प करता है, तो वो आप परसेंटेज एरर का भी कॉलम बना लें, ठीक है। तो इसमें भी आप अगर वैसे तो मैं रीडिंग शेयर कर दूंगी, अगर आपको ज़रा सा भी कहीं मस्ता समझ आए, अगर आपको लगे कि नहीं, तो आप इसको सपोज रीडिंग के साथ भी कर सकते हैं, लेंस आप ले लें लाइक 75 सेंटीमीटर ले लें, ये ले ली आपकी राउंड अबाउट 79 76 ले ली, ठीक है, तो एंगल्स ले लिए,
तो वैसे मैं रीडिंग आपको शेयर कर दूंगी, वही काम करूंगी यहाँ तक की शेयर करूंगी, और कैलकुलेटेड वाली मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और मैं चाहूंगी कि हर बच्चा खुद खुद करेगा। और मैं भी एक दफा दिखाना स्क्रीनशॉट मार लूं इसका। किसका? ये जो आपने पीछे निशान लगाए हुए थे ना सारे, मैंने जो मैंने तो अभी जल्दी से इरेज कर दिया। वो इरेज ना करो ना तो पेज अप एंड डाउन नहीं होता, अंडो नहीं होता, अंडो नहीं होता, और पेज भी अप एंड डाउन नहीं होता। वो पहले हम उसको इरेज करते हैं तो फिर हाँ होता है, अंडू हो गया, ये किया है तो ये हो गया, ये करो। ओके मैम, ले लिया, ले लिया मैम, ले लिया, थैंक यू मैम। अच्छा जी, प्रोसीजर आपको समझ आ गया, क्विज है। खैर मैं यूएसबी मैंने मंगवाई थी, उसमें मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनवाई है। खैर मुझे पहले कुछ चेक करने दें, फिर मैं आपको भी शो कराती हूँ। मीनवाइल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई और बात आपने करनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम जब T1 और T2 हम लोग फाइंड कर लेंगे, आपने कहा कि कैलकुलेटेड हमने फाइंड करनी है, तो जो ऊपर फार्मूला उसके अंदर हम T1 और T2 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे? T1 और T2 की वैल्यू पुट करेंगे फिर हम, जो फार्मूला ऊपर था। नहीं नहीं वो ऑलरेडी होंगी ऑब्जर्वेबली है ना, वो तो ऑब्जर्वेशन में लिख देनी है आपने। ठहरे मैम, मैम ऑब्जर्वेबली होंगी और कैलकुलेट हमने करनी है। वो आप ही पहले हो गए, जिसने पहले को साइन ना लगाया हुआ है बाद में साइन लगाया हुआ है। वो ये है कि आपने जो स्प्रिंग बैलेंस से रीडिंग लेनी है ना, वो जो अभी मैंने सारा वो बनाया था रेड कलर से, यस मैम, स्प्रिंग बैलेंस से जो आपने रीडिंग लेनी है वो आपकी ऑब्जर्व रीडिंग है, वो ये है, ये वो आप हमें देंगे ना। हाँ जी, वैल्यू हमें सिर्फ कैलकुलेट करनी है, फार्मूला T1 और T2 वाला फार्मूला। आपने आगे दो कॉलम ऐड करने थे, ये मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे आपने T1 T2 वो आपने फिर ये वाले फार्मूलास यूज करने हैं, ठीक है? यस मैम, ओके, थैंक यू। अच्छा आप लोगों के, अब मैंने वीडियो दिखानी। अच्छा मैम, वो कोसाइन वाला जो आप कह रही हैं, उस स्टूडेंट का नाम तो बताएं। मैं नाम उसका कहां से बताऊं, मुझे इतने सारे तो तुम लोग हो, पेज मेरा काला हो गया तुम लोगों की चीजें चेक कर करके। मैम चले जो भी हो ना उसको मेल कर देना फिर आप, शायद मैं ही ना हूं। वो मैं वही कह रही हूं, मेल मैंने कर दी हुई है उसको, मेल तो मैंने। मैम आपने उसको मेल क्या किया? आपने मुझे भी एक मेल की थी पहले, मैंने सबको, जिसकी थोड़ी थोड़ी जो जो मिस्टेक्स है ना, मैंने उनको सबको मैंने रिप्लाई दी है, चाहे उनका मैंने थोड़ा सा काम, जिस छोटी सी भी कोई मिस्टेक है, ये छोटा सा भी कोई मैंने सजेशन समझी है कि मैं इसको तो कंसीडर कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे ना कीजिएगा, तो मैंने रिप्लाई दिए हुए हैं, ठीक है? तो बस मैम फिर मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मेल नहीं आई आपकी इस तरह की। अच्छा चले, पता नहीं अब कोई और सेक्शन के भी हो सकते हैं, क्योंकि सारा वीकेंड तो गुजर गया, तो चार सेक्शनों की तो ईमेल्स आई हुई हैं, तो बहुत रश लगा हुआ है। इसीलिए मैंने एक रिक्वेस्ट किया, वो समझ आ गई है ना क्या रिक्वेस्ट है? वो क्या रिक्वेस्ट है मैम? मैम सेक्शन वगैरह मेंशन करना है रोल नंबर समेत। देखो इस बच्चे को याद है बस। मैम समझ नहीं आपकी बात की, क्या क्या हमने सेक्शन मेंशन करने हैं याद उसको है, लेक्चर गौर से तो सुना ना उन्होंने, सेक्शन मेंशन करना है आपने प्लीज। B1 ना भाई, जो yes, भी हो ना, B1 ही हो, लेकिन मेंशन कर देना ही। अच्छा ये आपका हैंगिंग रोप अपरेटस है, अब ये इसने वीडियो किस तरह से बना दी है, ये याद आया? थोड़ा सा लैब में लगे हुआ था, ठीक है? ये स्पॉट है, ये यस मैम, राइट हैंड पे सेकंड हैंड, हां राइट साइड के दरवाजे के साथ ही लगा हुआ है। बड़ा मिस करेंगे आप इन चीजों को। चलो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे रमजान में, नहीं तो बाद में। अच्छा इसमें क्या है, ये इसमें
ये अभी आपको हल्की सी ये दोनों स्प्रिंग बैलेंस नजर आ रहे हैं, एक इसके साथ अटैच है रस्सी के, एक इस रोप के साथ अटैच है, मतलब तो इसका कैमरा ही नहीं सेट हुआ होगा ना, सही नहीं मिलेगा मैम कैमरे का रिजल्ट ठीक नहीं है। मैं अब क्या कर सकती हूँ बच्चे, अब जो उनके पास है वो भी बेचारों ने अपने में ही रिसोर्सेज को यूज़ करना है ना, यूनिवर्सिटी ने थोड़ी कुछ लगाया हुआ है वहाँ पे, ये तो कैमरे इंस्टॉल होते मैं लैब में जाके आपको लाइव दिखाती। अच्छा ये अब क्या, ये कैसी इसने वीडियो बना दी है, अब तो इसमें साउंड है, अब मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा, खैर बाहर से क्यों नहीं रीडिंग्स लेके दिखाई हूँ। एक ये आपकी ये रोप है, ये यहाँ पे आपका क्या है हैंगर, मुझे लगता है इसमें ऐसे ही होता रहना बस, ये थोड़ा ऐसे जूम किया है एट दिस पॉइंट। अच्छा करना क्या होगा, ये सबसे पहले हमें उस अकेले ने भी नहीं है कोई साथ, उसके था नहीं एक आदमी, लगता है उसने कैमरा पकड़ा होगा। ये इसने वेट डाला है यहाँ पे, ठीक है, इसके पीछे आपको पता है वॉल है, सिर्फ सफा वो पेज लगा दिया हुआ ताकि हम लोगों को थोड़े से मार्क्स लगा देंगे कि यहाँ पे मिड पॉइंट लेने के लिए, ठीक है, उस मार्क से लेके ये यहाँ से लेके ये इसका मिड पॉइंट, जहाँ से ये रस्सी को बांधा गया है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से लेके एल वन एल टू की जो बात की जा रही है, ठीक है, उसके अंदर वो आपके एल वन और एल टू जो डिस्टेंसेज हैं, अच्छा इसमें आवाज़ इसकी मैंने देखी है आ रही है, उसमें इसने कहा है कि स्प्रिंग बैलेंसेस जो हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा एरर है, और वो थोड़ा सा एरर बताया है उसने, ठीक है, 0.5 kg का कुछ एरर। अच्छा मैं वैसे इनको कहती हूँ अभी जाके इसको दोबारा से बना के दें मुझे, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपरली जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का मीटर रोड के साथ लेंथ लेता हुआ शो कराया जाए, और यहाँ से यहाँ तक दोबारा और दोबारा से, ठीक है, मुझे ये वीडियो जो है ना वो कोई मजे की नहीं लगी। मैम वीडियो का लिंक शेयर कर दी है। वो तो मैं कर दूंगी, वो तो मैं भी शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम। मैं सोच रही हूँ आपको दोबारा बनवाऊँ, मुझे इसमें कोई इफेक्टिव नहीं लगी इतनी ज्यादा, नहीं क्लोजली नहीं बताएगा, बट इट वॉज सिंपल, ठीक है, ये आपने पेज पे जो आपने थ्योरेटिकली अभी अंडरस्टैंड किया सारा पढ़ा है आप उसी से इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। लेकिन मैं एक ये वाली वीडियो, लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह उसको दोबारा जाती हूँ लैब में, भी दूसरों से कहती हूँ कि दूसरी मुझे बना के दे, मैं खुद बल के बनाती हूँ, तो मैं आपको वो शेयर करती हूँ, ठीक है, बल्कि उधर ही खड़ी होकर मैं डेमोस्ट्रेट कर देती हूँ, अब ऐसे कर लिया करूँगी। थैंक यू मैम। उस वीडियो से आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं वो वाला मैम रीडिंग कब तक सेंड कर देंगे आप? अभी करना है, आपने भी पढ़ने लगे मैम, अभी करना है। लॉकडाउन पता नहीं है मुझे तो, कुछ न्यूज़ का नहीं पता है, मैं ईद के बाद ही खुलने, अब तो अब नहीं खुलता। हाँ यही है कि ईद के बाद ही हो जाएंगे। मैम हमारे मार्क्स लगा दीजिएगा। किधर लगा दूं? जितना आप दिल खोल के लगा दें मैम। यस मैम, आप जितना दिल खोल के पढ़ें पढ़ाई करेंगे ना, और जितने दिल खोल के पढ़ाई करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं, हमसे होती नहीं है पढ़ाई। नहीं तो आप करें ना, आप जितना अच्छा काम करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ये तो सीधा सीधा फार्मूला होता है, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं होती है। बस मैम आप भी थोड़ी सी हेल्प कर देना। मैं नहीं कर रही आपकी हेल्प, आप मैम कर रही हैं अभी तक तो, आपने बहुत कर रही है। नहीं मैम जो है ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। नो मैम आगे भी करती रहना, हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन ये सेमेस्टर भी हमें तो यही लग रहा है कि हमारा ऑनलाइन ही गुजरेगा इस दफा भी। ऐसे ही है ऑनलाइन ही जाएगा, रमजान भी मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन। मैम रमजान तो पक्का होगी ऑनलाइन, ये तो कंफर्म हो गई ये बात, कि ईद के बाद देखेंगे अगर खोलना हुआ तो। चलें देखें, आप भी घर में बैठे आराम से रोजे वगैरह गुजारिए, आप लोग की मौजें हो गई हैं। मैम कहां मौजें, सहरी से पहले टेंशन रहती है हर टाइम,
सैरी करके सो जाना है और उठ के सेंड कर, बस आपने सुनना ही होता है बैठ के, और आपने क्या करना है? अब आपने तो मेहनत की है तो होता है ना, चले वो तो काम साथ साथ करना ही है ना, फिर आपने डिग्री भी तो लेनी है, यहाँ पे इतने सारे आपने मैम अटेंडेंस लगा लें, पैसे भी तो जमा करवाए हैं जी, मैं लगाने लगी हूँ अटेंडेंस। अब्दुल रहमान 039 है। प्रेजेंट मैम। 41 नहीं है बुरहान। प्रेजेंट मैम। मैम 41 है क्यों? अच्छा तो बेटा बोलना था मेरे दानिश। बोल दिया। प्रेजेंट मैम। अच्छा 038। यस मैम। 37। 32। मैम 37 नंबर से प्रेजेंट। अच्छा 32 मैम उसने छोड़ दिया है। 32 है मोहम्मद रियाज, नहीं मुदस्सर रियाज, उसने छोड़ दिया, छोड़ दिया। अच्छा क्यों पता नहीं मैम, इसका तो पता नहीं, वैसे उसने मैसेज किया था मैंने छोड़ दिया। चलें ठीक है। अच्छा 031 है। यस मैम। 040 है। प्रेजेंट मैम। 040 प्रेजेंट। ठीक है। 36 नमीज तो। यस मैम। 35 प्रेजेंट मैम। नीम है। 030 कामरान और 29 भी हैं। प्रेजेंट मैम। 30 मेरा है मैम। हाँ ठीक है कामरान। जी जी मैंने बोला था। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। ओके मैम लीव कर लूं इंशाल्लाह, टाइमली आपको शेयर कर दूंगी।